वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शानदार लैब, मैं इसको लैब बोलता हूँ। हालांकि देखने में आप इसको अगर देखना चाहें, मैं आपको पूरा अगर व्यू लैब का दूं तो यहाँ से लेकर के और जो है आप यहाँ तक अगर देखें तो ये कहीं से लैब नहीं लगती, ठीक है ये। लेकिन 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 मुझे ये पसंद है, मैं इसमें काम करना पसंद करता हूँ। यहाँ पर मैं बैठ करके स्टूल पे, चेयर पे, मेज मेरी कंप्लीट यहाँ पर है तो मैं सारे अपने वर्क परफॉर्म कर लेता हूँ। और जब शूटिंग की बारी आती है, कोई वीडियो जब मैं यूट्यूब के लिए बनाता हूँ तो मैं उसको इस पर बना देता हूँ। ये रही मेरी टेबल जहाँ पर मैंने दो एलईडी लाइट फिक्स कर रखी है, एक ये रही, दूसरी हमारी ये रही, और बीच में ऑब्जेक्ट होता है जिसपे मैं शूट करता हूँ। ये रही जिसपे मैं अपने फोन को माउंट करता हूँ, सेल्फ स्टिक, इसको मैंने अपने टेबल पर इस तरीके से लॉक कर दिया है कि यहाँ पर फिक्स कर दिया है इसको। यहाँ पर मैं अपने फोन को इस तरीके से लगा करके और जो है वीडियो को शूट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा चेयर है जहाँ पर वीडियो को शूट करता हूँ। यहाँ पर ये मेरा सेक्टर है जिसमें नंबर्स ऑफ बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। ये 18650 लैपटॉप की जो बैटरी होती है उसमें सेल यूज होते हैं लिथियम आयन की, वो होते हैं। ये भी वही सेल है, उसके आगे वो हमारा नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं, ये उसका बड़े वाले नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं। ये हमारी लिथियम पॉलीमर बैटरी है जो कि मेरे आरसी हेलीकॉप्टर में थी। तो इस तरीके से ये बैटरी का चैम्बर है। हमेशा बैटरी के चैम्बर को आप अगर अपने किसी भी रूम में रख रहे हैं तो उसको अलग जगह दें ताकि वो शॉर्ट ना हो और ड्रेन ना करें, इसके अंदर से फ्लूड वगैरह ना निकले। ड्राई बैटरी में हॉल दो फ्लूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको अलग रखें, अदरवाइज फायर का खतरा यहाँ पर हो सकता है। बाकी यहाँ पर ये मेरी पुरानी सी साइकिल जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से गियर वाली साइकिल, ये मेरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइकिल जिसको उल्टा सीधा कैसे मैंने रख रखा है। ये मेरा यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कितना देखने में वियर्ड सा लगता है, लेकिन 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 यहाँ पर मुझे जरूरत का हर सामान मिल जाता है, स्विच बोर्ड, रेजिस्टेंस वगैरह, और जितना भी मुझे एक्स्ट्रा मुझे यूज होता है, जो छोटी छोटी चीजें मुझे यूज करनी होती हैं, मैं डायरेक्टली बस इसमें जो है एक नजर मारता हूँ और मुझे इजीली मिल जाती हैं। यहीं पर मैं जो है छोटा मोटा सामान जो भी कुछ खोलता हूँ उसको ला करके इसमें डाल देता हूँ और जरूरत के टाइम पर मैं इसमें से उसको निकाल लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप, अगर मुझे कुछ वायर, शॉर्ट वायर चाहिए, मैं इसमें से देख सकता हूँ। कुछ भी अगर बॉटल से रिलेटेड कुछ बनाना हो तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ बॉटल है उसको यूज कर सकता हूँ। और अगर मेटल की कुछ यूज होती है तो यहाँ मेटल के सारे हैं, प्लास्टिक्स वगैरह सब काम की जो है यहाँ पर। कुछ कैपेसिटर्स भी यूज और अनयूज कैपेसिटर यहाँ पर है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल मैं इजीली कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है ये रहा वो बॉक्स जिसमें सब कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये एक है जहां पर ये देख सकते हैं आप, ये जो है स्पीकर है और मेरा यूज मतलब इसमें कार्टेज की प्रॉब्लम, कार्टेज डालनी है, उसके बाद ये प्रिंटर चालू है, एचपी का है, एचपी का डेस्कटॉप प्रिंटर है जिसमें आप कार्टेज डाल के और ये चालू हो जाएगा। उसके बाद उस कार के बॉक्सेस और पावर सप्लाई है 15 एम्पियर की, ये कुछ जरूरत की चीज है, मेरा ओमनी डायरेक्शनल टू आई और चार्जर एटसेट्रा। और यहाँ पर कुछ मेरा प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर है, सो प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ कार्स और मेरे स्टडी का मटेरियल कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, और वाईफाई ब्रॉडबैंड का बॉक्सेस एंड स्पीकर, एंड ये मेरा कैजियो जिसको मैं अक्सर बजाना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है सी कॉर्ड डी कॉर्ड प्ले करने में। सो उस तरीके से ये अडॉप्टर से चलता है, ये रहा इसका अडॉप्टर, सो इसके लगाएंगे तो ये चल जाता है और इट वर्क्स गुड वेरी वेल। और इस तरीके से है, यहाँ साइड में नंबर्स ऑफ बॉक्सेस आपको दिखेंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जरूरत का सारा सामान अवेलेबल है, ड्रिल मशीन वगैरह और एक्सटेंशन बोर्ड, होल्डिंग यूनिट्स सब यहाँ पर हैं। गर्मी लगे तो उसके लिए फैन है जो कि सोलर पैनल सप्लाई पे चलता है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सोलर पैनल सप्लाई मैंने यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है। फैन है, ब्रशलेस मोटर कुछ एटसेट्रा, गैस के लिए, लाइटर के लिए गैसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और एक्सटेंशन बोर्ड,
रेगुलर अगर मुझे जरूरत पड़ती है कोई छोटे मोटे स्क्रू वगैरह की तो यहाँ इजीली अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर ये मोटर वगैरह ज़रूरत के सारे छोटे छोटे वर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसा कि ये वोल्टेज मीटर जो हमें वोल्टेज शो करेगा इस तरीके से, और बहुत कुछ मिनी इन्वर्टर 10 वॉट्स के लिए। और यहाँ पर ये जो बॉक्स ये देख सकते हैं आप, मल्टी स्क्रू ड्राइवर की किट है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये वो बॉक्स है जिसके अंदर रिपेयरिंग की लगभग हर एक सामान है, ज़रूरत का हर एक सामान है, टैग लगाने वाले सोल्डिंग आयरन से लेकर के पेस्ट और सोल्डिंग पेस्ट वगैरह, टेप वगैरह, स्क्रू सब एक्सेक्ट यहाँ पर कंप्लीट है। तो इस तरीके से मुझे बहुत बढ़िया लगती है मुझे मेरी अपनी लैब, यहाँ पर सारा सामान अवेलेबल है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं, दो दो पंखे हैं और इतना बढ़िया जो है हमारा लाइटिंग भी यहाँ पर है, सो बहुत बढ़िया लगता है ऐसे में काम करते हुए। इस तरीके के छोटे मोटे टॉयज को भी हम यहाँ पर जो है ठीक करता रहता हूँ, इसमें एडजस्टमेंट्स करता रहता हूँ। जैसा कि ये मेरे पास एक आरसी कार थी, उसमें इसकी मैंने जो है रेंज को बढ़ाया है, इसके रिमोट की रेंज पहले बहुत कम थी, 200 मीटर कुछ बताया जा रहा था, लेकिन मैंने उसको अब 1 किलोमीटर अप्रोक्स कर दी है अटैचमेंट के बाद। और इसका ये पीछे का व्हील ड्राइव भी चेंज करा था, रियर व्हील ड्राइव, सो उस सबको चेंज कराया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये सब करता रहता हूँ। तो आपको अगर मेरी लैब का व्यू अच्छा लगा हो, ऑल दो देखने में बहुत बेकार है, अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो ये 2-3 दिन बाद 10 दिन बाद दोबारा से ऐसा हो जाता है, तो मैं इसको बीच में कभी कभी सेट भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस समय सेट करके आपको वीडियो देता तो आप शायद समझ नहीं पाते कि क्यों ये मेरे लिए महत्व रखती है इतना ज़्यादा। सो इतना वीडियो में भी इतना ही था, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत अगर आपने वीडियो को मेरी यहाँ तक देखा।